कोलकाता कांड को लेकर आज टीएमसी एक बार फिर से बड़ा प्रदर्शन वहां पर कर रही है और टीएमसी की महिला विंग सड़कों पर। टीएमसी सीबीआई की सुस्त जांच को मुद्दा बना रही है और इसी मुद्दे पर यह धरना हो रहा है। उधर बीजेपी भी हफ्ते भर के धरना प्रदर्शन की सीरीज में आज भी सड़कों पर उतरी है, यानी कि पश्चिम बंगाल में गजब की स्थिति है। विपक्ष भी सड़कों पर है और सत्ता पक्ष भी सड़कों पर है, सब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन न्याय की आड़ में सियासत ज्यादा वहां पर हावी नजर आती है, क्योंकि अब तक न्याय तो नहीं मिली, उम्मीद है, इंतजार भी है, तमाम एजेंसियां लगी हुई हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा अगर कुछ देखने को मिल रही है तो वह है राजनीति। अब देखिए जरा 14 अगस्त से लेकर 31 अगस्त की तस्वीरें दिखा रहे हैं, धरना प्रदर्शन, ये बंगाल में सब कुछ हो रहा है। आज फिर सड़कों पर एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ टीएमसी, रोज कोई ना कोई पार्टी सड़कों पर होती है, धरना प्रदर्शन, विरोध, प्रोटेस्ट, ये सब कुछ देखने को मिलता है। तो लगातार तीसरा हफ्ता है जब इस मुद्दे पर बीजेपी और टीएमसी के वर्कर सड़कों पर हैं। सिर्फ पॉलिटिशियंस ही नहीं, बंगाली फिल्मी कलाकार भी महामिछिल के नाम से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए कुछ और डिटेल्स आपको दिखा देते हैं, जरा ध्यान दीजिए। कोलकाता कांड में धरना प्रदर्शन का यह सिलसिला 16 अगस्त से शुरू हुआ, ममता का न्याय मार्च हुआ, उसके बाद से यह सिलसिला बढ़ता चला गया, 30 अगस्त में कॉलेजों में प्रदर्शन हुआ। ये तो सिर्फ टीएमसी की बात अभी हम कर रहे हैं जो सत्ता पक्ष में है, ममता बनर्जी। 31 अगस्त हर ब्लॉक में प्रदर्शन हो रहा है। फिर सवाल उठाया गया सोशल मीडिया पर और तमाम विपक्ष ने कहा कि किसके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही है, राज्य सरकार, उनकी कमान, उनकी सत्ता, उनकी मुख्यमंत्री खुद है, तो किसके खिलाफ धरना प्रदर्शन है, न्याय मिलनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 28 अगस्त को बंगाल बंद की अपील करती है, ताला लगाओ मुहिम, ये 30 अगस्त को, और बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता और महिला मोर्चा ने भी मोर्चा संभाला सड़कों पर। चलिए अब पश्चिम बंगाल कोलकाता में क्या हो रहा है, तस्वीर जानने का वक्त है, अपडेट पहुंचाने का वक्त है आप तक। ऋतिक मंडल पहुंचाएंगे हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। ऋतिक, लगातार धरना प्रदर्शन का सिलसिला हम देख पा रहे हैं, नया क्या है आज कोलकाता पश्चिम बंगाल में, इस पॉलिटिक्स के अलावा न्याय की जो उम्मीद है, जो इंतजार है, और कितना लंबा होगा, लोग क्या कह रहे हैं, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? देखिए, तीन हफ्ता बीत चुका है, लेकिन फिलहाल हम जो देख सकते हैं पिछले एक हफ्ते से इस बात को लेकर अब राजनीति गहमाई हुई है। इस वक्त मेरी मौजूदगी कोलकाता के गोल पार्क इलाके में है, मैं मेरा कैमरा सहयोगी श्याम सुंदर से एक बार गुजारिश करूंगा पीछे का मंजर दिखाने के लिए। दरअसल आज तृणमूल कांग्रेस यानी सत्तारूढ़ पार्टी, जिनके खिलाफ तमाम आरोप आंदोलन हम बीते हफ्ते देखा है, वो आज सड़कों पर है। दरअसल महिला मोर्चा की तरफ से इस तरीके से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि सीबीआई के ऊपर अब दबाव बनाने की कोशिश तृणमूल ने किया है। ममता बनर्जी की अगर माने तो उन्होंने कहा है कि 28 तारीख जब तृणमूल कांग्रेस के जो स्टूडेंट विंग है उसके प्रतिष्ठा दिवस के कार्यक्रम को वो संबोधित कर रही थी, उन्होंने कहा कि सीबीआई अब जस्टिस दिलवाएगी, क्यों अभी तक कोई अपडेट नहीं है, इन्वेस्टिगेशन किस रास्ते से जा रहा है। तो आज कोलकाता के कई सारे इलाके में टीएमसी सड़कों पर है, उत्तर और दक्षिण कोलकाता में दोनों इस तरीके से धरना प्रदर्शन चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि बीजेपी भी इस मामले को लेकर सड़कों पर है। उसके अलावा आज करीब 3 बजे कोलकाता के कॉलेज स्ट्रीट से एक बार फिर से एक बांग्ला में कहे तो महामिछिल का ऐलान दिया गया है, यानी एक मास रैली होगी। इसमें सुनने में आ रहा है कई सारे दिग्गज हस्ती, कोलकाता के जो फिल्मी सितारे हैं वो उसमें शरीक होंगे, क्योंकि लगातार आंदोलन जो है वो और दबाव बन रहा है। लेकिन इस बीच जो तफ्तीश सीबीआई के द्वारा वो चल रही है, कई सारे मसले हैं जिसका जो आंसर उत्तर अभी तक नहीं मिला है, लेकिन तृणमूल एक तरीके से जो है दबाव बना रही है। मैं आपको बता दूं कि कुछ देर पहले चंद्रिमा भट्टाचार्य बंगाल के मंत्री से हमारा बातचीत हुआ, वो कह रहे हैं कि जितने भी मामले हुए हैं या फिर कल से जिस तरीके से कई सारे महिलाओं के ऊपर अत्याचार की घटना बंगाल के बीरभूम और हावड़ा या फिर नॉर्थ 24 परगना से सामने आ रहा है, सब मामलों में कोताही किसी भी तरीके से नहीं बरती जाएगी, जितने भी आरोपी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और बंगाल सरकार जल्द इस सिलसिले में कानून भी लाएगा। आपको बता दूं कि अगले हफ्ते बंगाल में एक विशेष सत्र बुलाया गया है विधानसभा के अधिवेशन में, जहां पर एक बिल पारित किया जाएगा ताकि इस जो बलात्कार के मामले हैं इसमें सख्त सजा हो, और खासकर जो तृणमूल कांग्रेस का मांग है कि इसमें फांसी की सजा होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव तृणमूल की तरफ से अब बन गया है, और दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि बीजेपी तमाम विपक्ष के पार्टी तृणमूल को घेरने में लगी इस मुद्दे पर। ऋतिक, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम दोबारा आपका रुख करेंगे।